रिक्रूटमेंट कंपनियों की कमेंट्री में इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आईटी कंपनियां सुस्ती के दौर से गुजर रही हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की संख्या घटा रही हैं। उन्होंने नई भर्तियों पर रोक लगाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 टॉप आईटी कंपनियों के एम्प्लॉयज की कुल संख्या में पिछले साल 76,572 कमी आई। इन कंपनियों में करीब 20 लाख लोग काम करते हैं। आईटी कंपनियों में छटनी की वजह ग्लोबल स्लोडाउन के साथ ही नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को माना जा रहा है। पिछले साल हुई छटनी में करीब 50% विप्रो और इन्फोसिस में हुई टॉप 5 कंपनियों ने कुल 60,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला। रिक्रूटमेंट कंपनियों का कहना है कि कोरोना की महामारी के दौरान आईटी कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज को भर्ती कर लिया था। नौकरी.com के सीईओ हितेश ओब्रॉय ने कहा कि पिछले 3 तिमाहियों में आईटी कंपनियों की हायरिंग में बड़ी सुस्ती देखी गई। ऐसा सिर्फ इंडिया में आईटी सेक्टर में नहीं हो रहा बल्कि दुनिया भर में ये ट्रेंड दिख रहा है। 2023 में दुनिया भर में आईटी सेक्टर में 2,62,735 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला गया। ये 2022 के मुकाबले 59% ज्यादा है। 2024 की शुरुआत भी छटनी के साथ हुई। नए साल की शुरुआती कुछ हफ्तों में 34,000 आईटी एम्प्लॉयज की नौकरी खत्म हो गई। ले ऑफ डाटा FYI के फाउंडर रोजर ली ने कहा कि पिछले कुछ सालों में 2 बड़ी छटनी देखने को मिली। 2022 की दूसरी तिमाही से आईटी सेक्टर में छटनी का सिलसिला जारी है। आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की संख्या घटा रही हैं। दरअसल आईटी सेवाओं की मांग में सुस्ती जारी है, साथ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का असर कंपनियों पर पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल भी नौकरियां खत्म होने की वजह है। रिक्रूटिंग कंपनियों के सुस्ती के संकेत देने के बावजूद मार्केट की सोच इससे अलग है। आईटी कंपनियों के स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। उनके स्टॉक्स का रिटर्न प्रमुख सूचकांक से ज्यादा है। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अल्फाबेट, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भी ये ट्रेंड देखा गया। छट्टी की वजह से कंपनी के खर्च में कमी आएगी, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। नवंबर 2022 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक TCS फंड मैनेजमेंट और UK बिलियनर ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को खर्च घटाने और एम्प्लॉयज की संख्या कम करने को कहा था। फोर्ब्स ने नवंबर 2023 में बताया था कि अल्फाबेट में निवेश करने वाले क्रॉस हॉर्न ने कंपनी को इस बारे में आक्रामक रुख अपनाने की सलाह दी थी। TCS फंड मैनेजमेंट ने एक ओपन लेटर में गूगल प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट तय करने को कहा था। TCI के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस हॉर्न ने कहा था, कंपनी में एम्प्लॉयज की संख्या काफी ज्यादा है, प्रति एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब तक छट्टी का असर कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन पर नहीं पड़ता, निवेशकों को आईटी सेक्टर में निवेश के मौके दिख रहे हैं। कहा जाता है कि बदलाव मार्केट का स्वभाव है और जो कंपनियां इस बदलाव के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार हैं, उनके शेयरों में निवेश का मौका बना हुआ है।